बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर वाफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एटन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और सबसे पहले तो बिलाल नियाज़ी का बहुत शुक्रिया कि बिलाल नियाज़ी जो है तीन दिन इस शो को जो है संभालते रहे। मेरी नानी अम्मा की डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नत से आला मुकाम अता फरमाए आमीन। एक बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए क्योंकि वालदा के बाद जो है नानी अम्मा ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और हमारे साथ रही। लेकिन ये जो आपके प्यारे होते हैं, जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं, इनके साथ आपकी जो एक प्यार एफिलेशन, आपकी जो अटैचमेंट होती है, इनकी जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ के बाद जो नानी माँ होती हैं, जाहिर सी बात है आपने उनके साथ बड़ी बॉन्डिंग होती है। ननिहाल की वैसे भी स्पेशली इस हवाले से देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मैं शायद वो लफ्ज़ भी इस टाइप बयान नहीं कर सकती। हम लोग जाहिर सी बात है एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ हमें हम अपने दुख, हम अपनी चीज़ें जो है उस तरीके से बयान भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आप लोगों के साथ भी हमारा एक ऐसा ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो हमेशा मैं एक बात करती होती हूँ कि आपके जो अपने रिश्ते हैं, यकीन करें जब वो रिश्ते आपसे दूर चले जाते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि वो आपके कितने आपके प्यारे रिश्ते थे जिन्होंने वापस नहीं आना। आपको उनकी अहमियत की, उनकी कदर का तब एहसास होता है। तो लिहाजा अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी दुआएँ लें। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं स्पेशली, मैं कहती हूँ हमारा बहुत बड़ा कीमती सरमाया, कुछ टाइम निकाल कर जिनके पास ये ब्लेसिंग है, मैं समझती हूँ अल्लाह की तरफ से ये ब्लेसिंग है। आपके बुजुर्ग, आपकी नानी हैं, दादी हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इनकी सुने, इनसे बैठें, इनके साथ बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना बुजुर्ग जब चले जाते हैं, बहुत सारी बातें उनके दिल में ही रह जाती हैं, शायद वो शेयर भी नहीं कर पाते हम लोगों से क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता। तो वक्त एक ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो अपने बुजुर्गों के पास लाजमी बैठें। और इसी तरह अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद है, हमारी रोही की रिपोर्टर हैं सुहिरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहिरा? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सुहिरा से जानेंगे मुल्तान की टॉप स्टोरीज, लेकिन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में गीबत ये बुराई बहुत आम हो चुकी है, इतनी आम हो चुकी है कि अब हमें एहसास ही नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। यानी इस हद तक गीबत हमारे अंदर रच बस चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि हम मना करने पर भी जज्बाती होकर हक के अलम्बरदार बन जाते हैं। यानी अगर हम किसी के बारे में कोई बात कहें और कोई हमें मना करे तो हम फौरन कहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं ये सच है। यानी हम अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। अब बैक बाइटिंग, गीबत और तोहमत में फ़र्क भी ख़त्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में ऐसी बात कहो जो उसके अंदर मौजूद है और वो इस बात को पसंद ना करे कि मेरी इस ऐब को, इस गलती को किसी और को बताया जाए, उसको आगाह किया जाए। फरमाया गीबत है। अगर ऐसी बात की निस्बत तुम अपने भाई की तरफ कर रहे हो जो उसमें है ही नहीं, वो गलती, वो गुनाह, वो जुर्म, तो फिर गोया कि तुम तोहमत लगा रहे हो। और तोहमत की सज़ा इस्लाम में 80 दुर्रे है, 80 कोड़े। ये इसलिए मुकर्रर की गई ताकि कोई शख्स भी जुर्रत ना कर सके किसी पर तोहमत लगाने की, किसी पर इल्ज़ाम लगाने की। इस्लाम ने आप देखिए कि जुर्म पर इतनी बात नहीं की जितनी उस जुर्म को फैलाने पर जो किरदार अदा किया जाता है, या जिस गुनाह को आम करने पर जो किरदार अदा किया जाता है, इस्लाम ने उस पर भी कदगन लगाई, उस पर भी पाबंदी लगाई है। इसलिए गीबत एक ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि कल क़यामत के दिन जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा वो अपने इस गुनाह के साथ हाजिर होगा। और ये वो गुनाह है कि ये लगता तो बहुत ही छोटा सा है, मामूली सा, लेकिन इसके असरात माशरे पर बहुत गहरे मुरतब होते हैं। यानी दुश्मनियों की बुनियाद यही अमल बन जाता है, कत्ल व गारत की बुनियाद यह अमल बन जाता है। इसी अमल की वजह से ही दो भाई आपस में नाराज़ हो जाते हैं। और ये गीबत होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि इंसान में एक हसद जैसी बीमारी मौजूद है। हम किसी को देखते हैं तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो हम उसकी तरक्की से जलते हुए हम ऐसे गुनाह और ऐसी खताएँ
और ऐसे नक्स हम उसकी तरफ मंसूब कर देते हैं कि जो हकीकत में उसके अंदर नहीं होते, तो गोया के गीबत नहीं बल्कि हम तोहमत लगा रहे होते हैं। और अगर सही एक माशरा मौजूद हो तो ये तोहमत लगाना कभी भी कबूल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया लामा साहब। और वाकई हमारे हम जो अक्सर बात करते हैं हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें जो हैं, गीबत, हसद और एक तोहमत लगाना, वो एक तो ना जजमेंटल हम फौरन हो जाते हैं, किसी को जज करने लग जाते हैं। इस हवाले से हमें ये वाली चीज़ें जो है अपनी चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा है कि नहीं, लेग फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। एक दूसरे को आपने अगर नीचे दिखाना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बात कर दी जाती है जिससे लोगों को नुकसान पहुँचता है। अच्छा, ये आज नाज़रीन को बता दें कि आज वर्किंग वुमेंस डे जो है वो आज मनाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि जिस तरह खवातीन, इस तरह हमारे यहाँ पर मर्द जो हैं उनके शाना बशाना काम कर रही हैं। अब तो आप कोई भी इदारा उठा के देख लें, वहाँ पर आपको यही नज़र आएगा कि खवातीन उसमें हर तरीके से काम कर रही हैं और बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो स्टोरीज हैं मुल्तान की उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि HCC के वक्त ने खवातीन यूनिवर्सिटी का विजिट किया, इस मौके पर क्या अहम ऐलानात हुए, ये जानते हैं सुहेला से। असमा, इसमें HEC का एक पूरी टीम थी जिन्होंने ख्वातीन यूनिवर्सिटी का मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ विज़िट किया है। उनके विज़िट का मकसद ये था कि जो तालीमी मेयार है, जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं। तो उसमें बहुत से प्रोफेसर और डॉक्टर्स जो HEC से मंसूब हैं, उन्होंने स्पेशली जो मतीतल में ख्वातीन यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसका विजिट किया है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, वहाँ पर जो फैकल्टी थी उनसे भी उन्होंने वहाँ पर मीटिंग की है, और फिर जो ख्वातीन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार थी और दीगर जो प्रोफेसर्स थी उन्होंने वहाँ पर HEC की टीम को ब्रीफिंग दी है। अच्छा, जो मतीतल कैंपस है वहाँ पर इस वक्त 6 से 7 प्रोग्राम्स जो हैं वो जारी हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मैथ कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, और भी डिफरेंट साइंस से रिलेटेड भी वहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें एक बड़ी तादाद जो तालिबात की है वो वहाँ पर पढ़ रही है। ये ख्वातीन यूनिवर्सिटी जो है स्पेशली नाम से जाहिर है कि सिर्फ ख्वातीन के लिए है, वो लड़कियाँ जो कि वो एजुकेशन में नहीं पढ़ सकती हैं उनके लिए वहाँ पर। फिर आप देख लें कि इसकी जो तालीम है और जो आप अपनी दीगर यूनिवर्सिटीज़ की तालीम है, तालीम तो सेम है लेकिन एक कल्चर की वजह से और चीज़ों की वजह से कहीं वो लैक ना कर जाए, तो उस वजह से यहाँ पर वक्तन फवक्तन कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाई जाती हैं, उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं उनको बुलाया जाता है, और फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है वो समझाया जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ख्वातीन यूनिवर्सिटी की VC हैं उनका एक कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट को सिर्फ किताबों तक महदूद ना किया जाए, उनको प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से या प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाए। वहाँ पर उनका फोकस है रिसर्च के ऊपर, और ये जो स्पेशल विजिट था ये भी इसी वजह से था कि रिसर्च को आपने मजीद से मजीद बेहतर किस तरह से बनाना है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो रिसर्च हो रही है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो उसको और उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसा कि IT लैब्स हैं, IT लैब्स का क्याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर जो रिसर्चर जो पहले से मौजूद हैं उन तक आपकी रसाई कैसे मुमकिन है, आप किस तरह से अपना थीसिस वर्क जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं या उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं, इस हवाले से भी बात की गई। और जो वहाँ पर तालीम का मयार है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और टीचर्स की जो ट्रेनिंग्स हैं उस हवाले से 1-2 अहम ऐलानात उन्होंने किए हैं कि टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी HEC की तरफ से कि आपने अपनी स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना है। ये 1-2 चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मैट्रिक सेकेंड सालाना इम्तहान का रिजल्ट भी आया है, सेकेंड इम्तहान में भी कामयाबी का तनासब जो है वो नहायत कम है, क्या रीजंस हैं? वैसे हम एजुकेशन सिस्टम पे हमेशा ही बात करते हैं सुहेला, एकदम हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे इस तरह की अब चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि बच्चे भी पढ़ाई पे शायद इस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे और कुछ चीज़ें इस तरह की आ रही हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम पे बात करना ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि तालीम होगी तो ही सब कुछ होगा, फर्स्ट तो तालीम ही है। तो इसमें पहले क्लियर कर दूँ कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था रिजल्ट को, हम लोग हर बार ही तकरीबन रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर महीने किसी ना किसी क्लास का रिजल्ट आ रहा है। ये सेकेंड एनुअल
रिजल्ट था सेकंड एनुअल, मींस के जो बच्चे पहले इम्तिहान में फेल हो गए थे उनको मौका दिया गया था कि आप दोबारा से एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। इसमें भी चेंजिंग की गई है महकमा तालीम की जानिब से। पहले ये होता था कि जो बच्चे एक या दो सब्जेक्ट्स में फेल हैं वो सारे पेपर्स दोबारा देते थे, टोटली फेल होते थे। लेकिन अब इसमें चेंजिंग ये कर दी गई है कि अगर कोई एक पेपर में फेल था, दो पेपर में फेल था, तो वो अपनी उस सप्ली को क्लियर करने के लिए ये एग्जाम दे सकता है। इसमें भी पास स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ज्यादा कम रही है, 33% बच्चे जो हैं वो सिर्फ पास हुए हैं। आप यानी अंदाजा लगाएं 75% बच्चे फिर भी कवर नहीं कर पाए हैं। तो ये एक सवालिया निशान है महकमा तालीम की कारकर्दगी के ऊपर के आया कि ऐसी क्या इश्यूज आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो पास होने के बजाय उनकी नीचे की तरफ ग्रेड्स जा रहे हैं। अब एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड सिस्टम लॉन्च हो गया है, उसमें ग्रेड्स में उन्होंने बताया है कि 95-100% जो है उसको A+ की बजाय A++ कर दिया है। फिर उसके बाद जो है वो 90-95 तक A+ और फिर इस तरह से नीचे ग्रेड्स आ रहे हैं और फेल सिस्टम को खत्म कर दिया है। ये नेक्स्ट इम्तिहान के लिए मैं बता रही हूँ 2023 से अपग्रेड सिस्टम आ गया है, यानी एफ को भी उन्होंने जी कर दिया है, एफ ग्रेड को भी कम करके जी कर दिया है कि अब कोई बच्चा फेल नहीं होगा। हाँ ये है कि वो अपने जो मार्क्स हैं, जो अपनी परसेंटेज है उसको वो कर सकता है। अच्छा, एक जो बच्चों के दरमियान रेस लग जाती है ना कि हाईएक्स मार्क्स लेने हैं, नंबर ज्यादा लेने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर वो उस वक्त तो रट्टा लगा के टेस्ट में भी और हर चीज में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो बोर्ड एग्जाम के लिए बैठते हैं तो वो यहाँ से बिल्कुल खाली, वो पेपर में क्या लिखेंगे जब रट्टा लगाना कुछ याद नहीं होना। तो अभी स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो है वो दिसंबर टेस्ट हो रहे हैं कि जो बच्चे ये पेपर क्लियर करेंगे वही जाकर जो है फिर आगे पेपर देंगे, उनको बैठने दिया जाएगा। जितनी लेक्चर सिस्टम आया है ना, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं आज तक क्लियर नहीं हो रहे। आए आपने एक टीचर्स भी शायद उस तरीके से रोल नहीं प्ले कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए। पहले होता था हमें टीचर्स जो थे ना वो बड़े हर चीज को जो है वो अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 से 4 मर्तबा जो है वो आपको समझाते थे, चाहे आपको ये देखे ना जो पुराने टीचर्स हैं आप कभी उनसे मिले ना, आज भी बच्चे उनसे डरते हैं क्योंकि वो सर आ गए या टीचर आ गई, मैडम आ गई, क्योंकि उनका एक रोल है। ठीक है आप फ्रेंडली अंदाज में भी पढ़ाएं, लेकिन बच्चे और टीचर का जो एक रिलेशनशिप है ना वो वही होना चाहिए जो उनके दरमियान एक चीज मौजूद है। अगर आप उसको खत्म करके सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खेल कूद की तरफ और सिर्फ बिल्कुल ही रिलैक्स कर देंगे तो बच्चों ने फिर जाके इसी तरह से परफॉर्म करना है। वो एक टीचर भी हमारे शो में आए थे तो उन्होंने यही कहा कि जो एक पहले हमारे टीचर्स का एक मुकाम होता था ना कि बच्चे आकर सलाम करना और इज्जत करना, और एक बंदे को होता था कि यार आपके टीचर है, आपने उसके सामने कोई इस तरह की हरकतें करनी जिससे उनको बुरा लगे या वो हमें डांटे। अब तो स्टूडेंट्स इस बात की केयर भी नहीं करते, तो आप मतलब टीचर्स भी खड़े हैं तो उनकी अपनी एक्टिविटीज जारी हैं और वो कहते हैं ना बाद एहतराम भी नहीं करते कि टीचर्स के सामने। बिल्कुल ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मुझे लगता है कि जो अब देखे ना जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके जुबान पे यही लफ्ज होता है कि हमने वालदैन की इज्जत की है, वालदैन की दुआएं ली हैं और अपने टीचर्स की दुआएं ली हैं। तो टीचर्स की दुआएं लेना भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है जरूरी है और टीचर्स को भी अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में एजुकेशन डिपार्टमेंट को चेकिंग करनी चाहिए कि जो इतने ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स की डाटा एंट्री की जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ भी लैग कर रहे हैं। टीचर्स की परफॉर्मेंस भी चेक होनी चाहिए कि आया वो लोग पंक्चुअल हैं, आ रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, डेली टेस्ट उनके लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे, तो ही ये जो इतने ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं इसको इसी तरह से ओवरकम किया जाए। अच्छा, मैं अभी ये देखी थी हमारे ये देखा जाता है जो हमारी बेसिक चीजें थी आज तक उनके पर कभी गौर ही नहीं किया जा सका ना, एजुकेशन और ना ही हमारा जो है ट्रीटमेंट इलाज और खाने पीने की अशिया, तो महंगाई तो ऑलरेडी डेफिनेटली वो तो हमारे साथ तो चल रही है। अभी भी मैं क्योंकि खुद गाँव में गई तो यकीन करो आज भी चाहे उनके अस्पताल हैं वहाँ इमरजेंसी की सहूलत तक मुयसर नहीं है कि अगर आपका पेशेंट बीमार हो गया है तो आपके पास एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से एक हॉस्पिटल जहाँ पर आपको ज्यादा नहीं तो इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि पेशेंट को इमरजेंसी उसमें देखा जा सके, उसका चेकअप किया जा सके। और वहाँ पर क्या मैंने देखा कि वहाँ के हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी बंद है, वहाँ के हॉस्पिटल्स की कंडीशन इतनी खराब है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है और वहाँ पर लोगों ने अपने जानवर बांधे हैं। बिल्कुल ये हालात है, चाहे स्कूल है चाहे हॉस्पिटल, अगर उन्होंने वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक
बना दिया गया है, तो वहां पे आपको कोई भी इस तरह की सहूलत मुयसर ही नहीं है। आपने अच्छी बात की है, मुझे याद आया लास्ट वीक ही मेरा जाना हुआ था, ये बंद बोसन से आगे हाँ। एक गांव है उसकी मैं बात कर रही हूँ, वहां पर हम लोग गए थे गैस की बंदिश के ऊपर कवरेज करने, ना कि वहां पर बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे लकड़ियां चुन रहे होते हैं, तो मैं वहां जाके हैरान हो गई कि वहां ना सेहत का हाल अच्छा है और ना ही तालीम का हाल अच्छा है। वहां आसमा 5 साल पहले एक स्कूल बनाया गया था, मिडिल स्कूल, क्योंकि उस इलाके में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, एक गर्ल्स के लिए है एक बॉयज के लिए है। आप रजाबाद तो नहीं गई? नहीं, रजाबाद नहीं, ये थोड़ा आगे, उससे आगे, उससे आगे है थोड़ा सा। तो वहां पे ना उस स्कूल की बिल्डिंग एक तो कंप्लीट नहीं हुई, मिडिल स्कूल की अधूरी छोड़ दी, तो वहां पर जानवर बांधे हुए हैं। जानवर बांधे हुए हैं और बच्चे वहां पर कोई उनका नामो निशान नहीं है, उन बेचारों के जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो दूसरे दूर दराज प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने भेजे हैं, वो भी वही भेजेंगे ना जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही वहां पर अभी तक उस तरीके से, हालांकि वहां पर बहुत डेवलपमेंट हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है, अगर हम भोसन रोड वाली साइड पर जाए, लेकिन अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो वहां पर अभी तक हमारे को इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिली कि वहां के लोगों को कोई आसानी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वहां पर बंद पड़े हुए हैं, वो वहां पर मैंने खुद चेक किया है कि येलो कलर का पानी वहां पर आ रहा है, तो ये भी हैरान हूँ। हालांकि वहां पर गैस मौजूद है लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वहाँ पर कनेक्शंस नहीं प्रोवाइड किए हुए, गैस है लेकिन कनेक्शंस नहीं दिए हुए, वो फिर आपको पता है कि मीटर लगाने के लिए भी कितने ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये हमारी ये चीजें हैं ना, हम लोग इन्हीं चीजों से ही आज तक बाहर, हम कहते हैं क्यों नहीं हम उस तरीके से तरक्की कर पा रहे, क्योंकि हम इन चीजों से ही बाहर नहीं। और मुझे नहीं लगता कि हम इन चीजों से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, कोई नहीं, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप गवर्नमेंट को या इदारों को सिर्फ नहीं कह सकते कि हर बंदा, हर शहरी जो है उसका फर्ज होता है। तो हमारे यहाँ पे कल्चर ही ऐसा बन गया है कि दूसरे के ऊपर अपना काम डाल देना है, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना। इतने अक चुके हैं वो इदारों के पे, जो पहले अगर क्योंकि हमारे जो इदारे हैं जिस तरह की जो जिन्होंने सहूलियात मुयसर करनी है वो इतना अगले बंदे को जज कर देते हैं कि लोग फिर दूसरी दफा जाने के, तीसरी दफा जाने का नाम भी नहीं लेते। शॉर्टकट तो ये कहते हैं कि जब काम ही नहीं होना तो फिर जाने का फायदा नहीं, या हमें इतने लंबे चक्कर काटने का भी हमें कोई फायदा नहीं जब चीजें हमारी जो है वो ठीक ही नहीं हो। बिल्कुल, तो लोग इस वजह से भी थोड़ा फिर अपनी जिम्मेदारियों से भी है। हाँ, ये भी रीजन है कि हम कहते हैं अच्छा यार फिर क्या करना जब हमारा काम ही नहीं होना, अगर महीने लग जाने हैं, सालों लग जाने हैं, तो फिर क्या फायदा जाने का उस इदारे में। अच्छा, इसके साथ ही सोशल वेलफेयर की जानब से सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज के लिए जो है वेलफेयर सोसाइटी कायम करने का ऐलान किया गया है, इसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, निश्तर अस्पताल चूंकि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 साल पहले जो है वो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी बनी थी। इस सोसाइटी का काम ये था कि जो मुखय्यर अफराद हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि जो दूर दराज से पेशेंट्स आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी अद्वियात, इंजेक्शन, टेस्ट, उनको वहां पर मुफ्त इलाज की सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जाए। वैसे तो निश्तर में आउटडोर में आप जाएं तो आपको पता है कि फ्री चेकअप वगैरह होता है, लेकिन जो मेडिसिन हैं वो सिर्फ गिनी चुनी ही अंदर से मिलती हैं, बाकी लोगों को खुद बाहर से जाकर परचेज करनी पड़ती हैं और उसमें ही हजारों रुपए खर्चा आ जाता है। टेस्ट अभी कुछ दिनों पहले हुआ ना, तो निश्तर के हॉस्पिटल के आपके टेस्ट भी इतने महंगे हैं, टेस्ट महंगे हैं। आप हॉस्पिटल की बात करते हैं कि लोग आते हैं आसानी होती है, वहां पर भी अब आपको जो टेस्ट है वो आपको पैसे देकर टेस्ट करना, बिल्कुल ऐसी है। और इतनी ज्यादा लैब्स बन चुकी हैं, इतने ज्यादा टेस्ट, इतनी ज्यादा जो है वो लेबोरेटरीज बन गई हैं कि एक वहां भी हमें रेस ही लगी हुई नजर आती है कि जी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा रेट, और फिर रश इतना ज्यादा होता है ना मरीजों का कि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठाते हैं। फिर तो फिर ये जो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है इसके पास एक पूरा प्रोसेस है कि जो भी मुस्तहिक मरीज है वो यहाँ पर जाएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अपना मसला बताएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो प्रॉपर तस्दीक होगी, और फिर उसके बाद उसको भी एक लिमिट है कि आपको इतनी अद्वियात महाना तौर पर, महाना जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, निश्तर में ये ऑलरेडी कायम है, तो इसके बाद अब DHQ जो हॉस्पिटल्स हैं जैसा कि सिविल हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और शबाशिफ हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जो है वो बनाई जाएगी। क्योंकि पहले ऑलरेडी ज़कात फंड जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन उनका भी हाल यही है कि वो फंड्स खत्म हो चुके हैं। तकरीबन 6 महीने के लिए जो क्वार्टर फंड जारी किए जाते हैं वो भी अभी तक जारी नहीं किए गए। मरीज जो हैं वो बेचारे रजिस्ट्रेशन करवा करवा के दरख्वास्तें दे दे के थक चुके हैं,
तो इस वजह से अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये स्टेप लिया है कि एक सोसाइटी यहाँ पर बनाई गई है। शबाशिफ हॉस्पिटल में भी ऑलरेडी एक सोसाइटी जो है वो उनकी काम कर रही है, लेकिन उसके पास भी फंड्स की कमी होती है। तो इसमें ये है कि वो लोग यहाँ पर जो उनके फील्ड ऑफिसर्स होंगे सोशल वेलफेयर के, वो यहाँ पर मुखय्यर अफराद से राबता करेंगे, मरीज के बारे में बताएंगे। तो हमने देखा है कि इस तरह की चीजों में लोग बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा है, ये हकीकत है। जैसे अभी हमारा फ्लड आया और लोगों ने, यकीन करें, हुकूमत तो बाद में हमारे जो है हुकूमती सतह पर थोड़ा सा लोग आए और देखा, लेकिन उससे पहले जो बहुत सारे इदारे ऐसे थे जो अपने मदद आप के तहत वहाँ पर पहुंचे और बहुत से मुहैया हजरात ने वहाँ पर लोगों की हेल्प भी की। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, लोगों में अभी भी वो जज्बा इंसानियत है, कहते हैं ना, बाकी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे और ये होनी भी चाहिए। मैं समझती हूँ आप लोगों के लिए जितनी आसानियां करेंगे, जो कोई अगर किसी मुसीबत में है और अगर इस तरह का, जिस तरह भी हम देख रहे हैं लोग बड़े गुर्बत है, जिस तरह इस समय हमारे बेरोजगारी है, लोगों के बहुत मसाइल है, उसमें अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे तो मेरे ख्याल अल्लाह ताला को कि ये आपकी चीज बड़ी पसंद आएगी। और अच्छा, हम ना अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ज्यादातर अफराद हमें ऐसे ही नजर आते हैं कि नॉन हेल्पिंग है, मतलब नहीं, सिर्फ सेल्फिश हैं, अपना ही कर रहे हैं। ज्यादातर अफराद ऐसे ही नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अच्छाई भी नजर आ रही होती है, क्योंकि दुनिया जो है वो इंसानियत की वजह से ही कायम है। अक्सर अपनी अम्मी से ऐसे डिस्कस कर रही होती हूँ कि नहीं, सारे ही ऐसे हैं, सब कहती हैं नहीं, कोई तो अच्छा है ना, देखो कोई अच्छा है तो उसी की वजह से ये दुनिया। अच्छा, सेम मेरे अब्बा जी वाली बात की ना, मैं अक्सर यही बात करती हूँ, मैं लोग बहुत अजीब है, लोगों की मेंटेलिटी अजीब है, लेकिन मेरे अब्बा जी यही बात करते हैं, जहाँ बुराई इतनी ज्यादा है वहाँ अच्छाई भी है। बिल्कुल, ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही, अल्लाह का निजाम ऐसे नहीं चल रहा, अच्छाई की वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है हमारी चल रही हैं। इससे मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, तो ही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। जी, शहरे ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम शदीद धुंध की लपेट में दिखाई दे रहा है। अगर आज मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो आज शहरे ओलिया मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब 100% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर आज बात की जाए मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो शदीद धुंध की वजह से आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी ज्यादा मुतासर दिखाई दे रहा है। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान कौन से नंबर पर स्टैंड करता है, तो आज मुल्तान पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में 6 नंबर पर स्टैंड करता है। अगर धुंध की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1-2 दिन से मुल्तान में काफी ज्यादा धुंध का राज दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान में धुंध का राज रहेगा और खुश्क सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। इसी तरह से धुंध की शिद्दत की वजह से मुल्तान में मोटरवे भी बंद कर दी गई है। फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इसी तरह से अगर मोटरवे पुलिस की बात की जाए तो मोटरवे पुलिस बार बार शहरियों को ये हिदायत जारी कर रही है कि अव्वल तो शहरी और मुसाफिर गैर जरूरी सफर से परहेज करें, अगर सफर करना जरूरी भी है तो शहरी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें और उस टाइम पर सफर करने की इजाजत होगी जिस टाइम मोटरवे खुली होगी और धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखी जाएगी। आज अगर मुल्तान के हद निगाह की बात की जाए तो आज धुंध की वजह से मुल्तान का हद निगाह 50 मीटर तक महदूद है। इसी तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि जब तक धुंध क्लियर नहीं हो जाती, यानी तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे के करीब जाकर फ्लाइट ऑपरेशन भी जारी होगा और मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया हसन। और बाकी आज तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, मैं जब ऑफिस आ रही तब भी जो है ना बिल्कुल धुंध बहुत ज़्यादा थी। और आपका ना इस हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शहरियों को जो है एहतियात करने की ज़रूरत है,
इस मौसम में स्पेशली हम ये देखते हैं ट्रैफिक के हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि सुबह स्कूल का टाइम भी होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी, तो आपने उन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो हजरात बाइक चला रहे होते हैं स्पेशली बाइक वाले जो होते हैं ना वो उस हवाले से एहतियात नहीं करते हैं कि फौरन बस जितना तेजी से गुजार सकें गुजर जाएं हम, तो इस स्पेशली इस मौसम में आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जिस तरह मैं बात कर रही थी कि वर्किंग वुमेंस डे आज मनाया जा रहा है, उससे भी बात करते हैं कि हम लोग जिस इदारे की भी बात कर रही थी कि भाई जिस इदारे में खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं बड़ा शानदार काम कर रही होती हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन इश्यूज बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें कि हमारी जो खवातीन हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं, तो आप चाहे घर में भी हों चाहे घर से बाहर भी काम कर रही हों, आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए यहाँ पर जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी सुहिरा से, हम जो आर्टिस्ट लोग होते हैं जो हम यहाँ पर बैठे होते हैं, हमारे दुख सुख हमारे भी उसी तरीके से रूटीन से चल रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपको अपने काम के हवाले से यहाँ जब यहाँ बैठते हैं तो आपको अपनी हर चीज़ हाइड करके बैठना पड़ता है। ये हमारा कंट्रोल अपने इमोशन अपनी फीलिंग्स, आपको हर चीज़ जो है वो आपको अपने अंदर दबा लो, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल आपका मूड अच्छा नहीं है लेकिन आपने हंसना है, हंसना है आपके साथ जो भी इशू है आप उसको बाहर नहीं निकाल। अच्छा लोग समझते हैं बड़ा अच्छा बड़ा इनका बढ़िया सब चीजें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लोग कहते हैं आप घूम फिर के आ जाते हैं, है ना, ये आपको कभी सुनने को भी? अरे मुझे बहुत मिलता है, स्पेशली मैं कहती हूँ जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना उनके बारे में, स्पेशली हमारा जो मुआशरा है ना वो बड़ा इस चीज को बड़े मुश्किल से एक्सेप्ट करता है कि जो हमारी घर की खवातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये ना देखें किसी का घर का शायद चूल्हा भी शायद उसी की वजह से चल रहा हो, उसके शायद जो उसके साथ कनेक्टेड लोग हैं शायद उसी के आसरे पे चल रहे हो, लोग इस चीज को नहीं समझते। जैसे हमने बात की थी ना सुबह के, लोग जजमेंटल होते हैं, आपको जज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है, एक जैसे हाँ। मुहावरा आपने सुना होगा, एक बड़ा मशहूर है एक मुहावरा है या पता नहीं क्या है, एक लाइन है कि जी अक्सर घरों में ये सुनने को मिलता है कि जी तुम्हें घर के कामों से क्या, तुम तो बाहर जॉब करती हो आराम से घूम फिर के आ जाते हाँ, हैं। अक्सर खवातीन को चाहे मैरिड है या सिंगल है ये लाजमी सुननी पड़ती है, ये नहीं पता कि वो 9 to 5 जॉब कर रही है या 9 to 6 जॉब कर रही है, 10 घंटे 12 घंटे की भी अक्सर लड़कियां जो है शिफ्ट कर रही होती हैं, तो वो कितनी तकलीफें उठा के आई हैं। सबसे पहला मसला मुझे लगता है कि खवातीन का ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रैवलिंग करना घर से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क है मैं तो कहती हूँ, मसला एक बहुत बड़ा। अच्छा वैसे हम देखा जाए तो हमें यहाँ पे बड़ा महफूज समझना चाहिए खुद को जब हम घर से, लेकिन हम अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे होते। अच्छा फिर जब हम काम पर जब इदारे में भी काम कर रहे हो वहाँ के आपके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको, मैं समझती हूँ आपको उनके साथ बड़े इश्यूज होते हैं। अच्छा अब तो आप जिस तरह मार्केट में भी निकलते हैं, अब तो खवातीन मार्केट में भी उसी तरीके से आपकी, आप ब्रांच पे जाएं आपको वहाँ पर भी खवातीन मिलेंगी, आपको फूड पॉइंट पे जाएं आपको वहां पर भी खवातीन नजर आएंगी, आप बैंक्स में जाएं वहां, मतलब कोई ऐसा अभी इदारा नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं ना, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर लड़कियां नजर आ रही हैं, जैसे सेल्स बॉय की जगह सेल्स गर्ल खड़ी है, आपको फूड सर्व करने के लिए लड़की आ रही है, तो मैं तो कहती हूँ मैं जाऊं ही ऐसी जगह पे जहाँ पे लड़की हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों को इस तरह से देखना कि वो काम कर रही है अपना इज्जत के साथ कमा रही है। ये जो आज 22 दिसंबर है पूरे पाकिस्तान में खवातीन का जो है वो वर्किंग वुमेन डे मनाया जाता है, इसका मकसद ये है कि जो खवातीन के हकूक हैं उनका जो हकूक का तहफ्फुज है वो कैसे मुमकिन है। इसमें आर्टिकल 25 जो है वो हमें ये कहता है कि खवातीन और मर्द के जो हकूक हैं वो मसावी हैं, लेकिन आप अक्सर देखें कि लड़कियों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा होता जिस तरह से करना चाहिए। बहुत से इदारों में जो है वो फ्यूलिंग के हवाले से अगर हम बात कर लें तो मेल्स को वो फैसिलिटी मिल रही होती है लेकिन बेचारी खवातीन उसमें भी पीछे ही रह जाती हैं। आपने खवातीन अगर घर से बाहर काम के लिए निकलती हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है उनको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जैसे आपके घर की खवातीन है ऐसी बाहर काम करने वाली भी खवातीन है, आपको नहीं पता कि वो किस मजबूरी में या वो अपने किस शौक के तहत या किस वजह से वो काम करने के लिए आई हैं। बहुत से हमारे मर्द ये बात ही नहीं बर्दाश्त करते कि ये हमारे साथ हमारे बराबर या हमारे से ऊपर काम करना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, डोमिनेटिंग है हमारे यहाँ के मर्द थोड़ा डोमिनेट होते हैं, वो भी इस चीज को जरा मुश्किल से ही हजम करते हैं कि हमसे ऊपर जो है वो औरत। बिल्कुल वर्किंग वुमेन्स के मसाइल आसमां बहुत हैं, आपका और हमारा दिन है आज, हमें पता है कि हमें डेली घर से निकलने से लेके घर वापस जाने तक कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है।
तो उसमें यह है कि ख्वातीन के लिए फैसिलिटीज़ का ऐलान तो बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, जैसा कि मेरिट ख्वातीन होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके ऊपर एक वो भी जिम्मेदारी होती है, तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स जो हैं वो कहा गया है कि तकरीबन हर सरकारी जो बड़े इदारे हैं वहाँ पर मौजूद हों, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते हैं। मुल्तान में तो गिने चुने एक दो ही डे केयर सेंटर्स होंगे, वो भी प्रॉपर फॉल नहीं है। एक जैसा कि वुमेन यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ख्वातीन की वहाँ पर जॉब कर रही है, सैकड़ों की तादाद में फीमेल्स हैं टीचर्स का, हाँ वहाँ डे केयर सेंटर अभी फिलहाल बना है लेकिन प्रॉपर फॉल नहीं है। उसी तरह से आप सरकारी इदारे देख लें, वहाँ भी आपको पता है कि कोई इस तरह से डे केयर सेंटर्स मौजूद नहीं है। प्राइवेट तौर पर हों तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। उस तरह से वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का कयाम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि देखें ना दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से, दही इलाकों से लड़कियां काम करने के लिए आती हैं, तो उनको यहाँ पर हॉस्टल्स में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो भारी भारी फीसेज उनको अदा करनी पड़ती हैं, और फिर जो हॉस्टल्स के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, बल्कि सबके सामने हैं। मुल्तान में भी सिर्फ एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल है और वहाँ पर बहुत कम जगह है, कोई 20 के करीब फीमेल्स वहाँ पर आ सकती हैं, और काम करने वाली लड़कियों की तादाद आप देख लें आपके सामने है, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा इशू है कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स मुल्तान में, बल्कि पूरे जैसे पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, इस तरह से मुल्तान में भी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पूरे जनूबी पंजाब से लड़कियाँ यहाँ पर आपने देखा होगा काम करने के लिए आती हैं, तो उनको रिहाइश का एक बहुत ज़्यादा मसला होता है। ट्रैवलिंग का आप देख लें, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी सफर करके देखें तो वहाँ आप लड़कियों का हशर देख लिया करें। मैं ये कर चुकी हूँ तो मैं इस हवाले से अच्छा वो अगर ना जिंदगी के आप हर उस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं जो समझते हैं कि लोग उससे गुजर रहे होते हैं, जब आप खुद गुजरते हैं ना तो आपको आइडिया होता है कि लोगों के क्या क्या मसाइल हैं, लोग किन किन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। अच्छा फिर वही बात आ जाती है कि आप रिस्पेक्ट, जितनी बात आती है कि रिस्पेक्ट देंगे उतना आपका कहते हैं ना मेयार भी उतना बुलंद होगा, जितना आप लोगों आपके जो आपके इर्द गिर्द हमारे मर्द हजरात जब इस चीज़ पे आ जाएंगे ना कि वो भी अपनी जिस तरह घर की इज्जत को माँ को बहन को बेटी को इज्जत दे रहे हैं, तो जब आप बाहर भी जब काम करें तो वहाँ पर आपके साथ जो ख्वातीन काम करें आप उनको इज्जत देना शुरू कर देंगे, तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि आपका ज़र्फ़ आपके मेयार कितना बुलंद होगा, आपकी तरबियत आपको बताती है ना आप। क्योंकि कई लोग ऐसे वो कह देते हैं नहीं जी लड़की क्यों काम कर रही है, जॉब क्यों कर रही है, जॉब नहीं करनी चाहिए, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं मीडिया सिर्फ टीचिंग करें, लड़कियाँ सिर्फ टीचिंग करें। अच्छा डॉक्टर टीचिंग, अच्छा आप क्यों ये समझते हैं कि वहाँ पर भी तो मर्द हजरात काम कर रहे होते हैं? अच्छा शुरू में मैंने मीडिया ज्वाइन किया ना सवेरा, तो बहुत मैंने इन चीज़ों से गुजरे हूँ, फेस किया मीडिया यहाँ हमारे जनूबी पंजाब में लोगों की मेंटालिटी कुछ और है। आप लाहौर इस्लामाबाद जाएं कराची जाएं वहाँ लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही उस तरह से अपॉर्चुनिटीज भी थी और स्टार्टिंग तो बहुत कुछ सुनने को मिला, और लेकिन उस टाइम मेरी अम्मा हयात थी, उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, इवन कि यहाँ तक कि अब्बा जी तो इस एक टाइम आ गया था वो कहते थे कि नहीं करना, और मेरी अम्मा ने कहा नहीं, उनको ये लगता होगा ना सेफ नहीं है या हेरासमेंट का चांस ज्यादा है, लेकिन मैं समझती हूँ टोटली गलत बात है। अक्सर लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि आप चैनल में काम करती हैं माहौल कैसा है, तो मैं उनको बताती हूँ बिल्कुल घर वाला माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। सुबह के टाइम बस 2 घंटे तो बोलना है, उसके बाद आपने समझ लिया, ये इतना आसान नहीं होता 2 घंटे भी बोलना, और आपकी आपकी टीम होती है पूरी एफर्ट्स होती है, ये कोई इतना आसान कर आए आप गप्पे मारे और फिर घर चले जाए। आदमियों से बात करना डील करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि, और फिर आप अगर एक आदमी है वो आपको इज्जत दे, अगर आपको अप्रिशिएट करे तो मुझे लगता है सारे मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा ये बात है कि अप्रिशिएट, और जिस दिन आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे अपने घर की खवातीन को जो काम करने वाली हैं जो आपका साथ दे रही हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी के आधे मसाइल वहीं पर खत्म हो जाएंगे। जो आपके एक दिन की खवातीन है जहाँ आप काम कर रहे हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तब भी आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। इसीलिए जो है वो कहते हैं आप एक तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आएं और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। इसलिए मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने ज्यादा ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वही अटल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा ये महकमा औकाफ और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से इस साल किन तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू किया गया, इस हवाले से बताइए और कितने मंसूबे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वर्ल्ड सिटी ने एक मुआहदा किया है महकमा औकाफ के साथ कि हम मिलकर मुल्तान की जो तारीखी मकामात हैं, जो तारीखी बिल्डिंग्स हैं,
उनको रेनोवेट करेंगे। उसमें उन्होंने सबसे पहले मुल्तान के जो 3 से 4 बड़े मज़ारात हैं उनको सेलेक्ट किया है, जिसमें मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया है, हज़रत शाहरुख नियालम है और हज़रत बीबी पाक माई का मज़ार है, उनकी रेनोवेशन का काम जारी है। अच्छा, इसमें वॉल सिटी अथॉरिटी ने ही फंड्स अप्रूव करवाए हैं पंजाब गवर्नमेंट से, उन्होंने 1 करोड़ रुपए के तकरीबन फंड जो हैं वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया मज़ार के लिए रिलीज़ हुए हैं, 80 लाख के फंड्स शाहरुख नियालम मज़ार के लिए और इसी तरह से 50 लाख के फंड जो हैं वो बीबी पाक माई के मज़ार के लिए जारी हुए हैं। अच्छा, इसमें काम वही स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा अभी, जैसा कि साल का अख्ताम है और तमाम तरक्याती काम जो है वो अब तक मुकम्मल हो जाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि हमने खुद वहाँ पर जाकर विज़िट किया है तो अभी काम जो है वो सिर्फ बहाउद्दीन ज़िक्रिया मज़ार का जो है वो तकमील की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें उन्होंने उसका अहाता बढ़ाया है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद आती है ज़ायरीन की, हर साल उर्स पे भी और डेली रूटीन में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा जगह प्रोवाइड करने के लिए वहाँ एक मज़ीद उन्होंने 4 दीवारी और दरवाज़ा और एक अलग से हिस्सा बनाया है। उसके अलावा बाकी जो 2 मज़ारात हैं वहाँ पर अभी काम जो है वो जारी है। इसी तरह से आप देखें मुल्तान के जो तारीखी दरवाजे हैं उनकी तरफ वॉल्ट सिटी को ज़्यादा मुझे लगता है कि तवज्जो देने की ज़रूरत है, वॉल्ट सिटी की जानिब से वहाँ पर भी काम होना चाहिए क्योंकि हमारा अंदरून बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर आपको एक एक गली में एक एक जगह पे या तो आपको कोई पुराना मज़ार नज़र आएगा, कोई पुरानी आपको कदीम मस्जिद नज़र आएगी, कोई पुराना घर नज़र आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी रेनोवेशन ज़रूरी है। और फिर मुल्तान के 6 दरवाजे थे तारीखी, जिसमें से सिर्फ 3 जो हैं वो अब बाकी रह गए हैं, 3 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ हरम गेट की तज़ीन और आइश जो है वो हुई थी, उसके बाद से ये काम अभी बंद पड़ा हुआ है। तो हम यही कह सकते हैं कि अभी काम जो है वो स्लो चल रहा है, साल के इख्तिताम पर भी तरक्याती काम जो हैं वो पाया तकमील तक फ़िलहाल नहीं पहुंच सके हैं। और कोरोना बीच में आ गया था जिसकी वजह से जो 2018 और 19 की जो स्कीमें थीं उनके फंड जाकर 2020 के बाद रिलीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से काम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और फिर चूँकि मटीरियल्स बहुत ज़्यादा महंगा होने लग गया था, अमीराती मटेरियल, फिर उसके लिए फंड्स का दोबारा से एस्टीमेट लगाया गया, दोबारा से एडीपी स्कीमें जो हैं वो अप्रूव करवाई गई, तो फिर उसके बाद क्वार्टर वाइज जैसे फंड जारी हुए हैं तो काम काफ़ी स्लो चल रहा है। सही। अच्छा, और इसके साथ हम थोड़ी क्राफ्ट के हवाले से भी बात कर लेंगे, क्योंकि हम अगर अंदर अंदरून की तरफ जाएँ हाँ। तो आपको जो है वो इस तरह के क्राफ्ट बाजार जो हैं वो भी नज़र आते हैं। क्या क्या उनको इस टाइम मसाइल हैं समझते हैं हम, तो उस तरीके से अब लोगों का फोकस नहीं रहा ना, वो उनके भी अपने एक मसाइल हैं, वो भी परेशान नज़र आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो वहाँ के दस्तकार हैं? उसमें मुल्तान का जो क्राफ्ट बाजार है ये स्टेडियम की बैक साइड पे मौजूद है, किले की स्टेडियम की बैक साइड पे, और उसको कोई देख के नहीं कह सकता कि ये कोई क्राफ्ट बाजार है। वो वहाँ पर कोई 20 के करीब दुकानें हैं जिसको फूड स्ट्रीट के लिए मुख्तस किया गया था, तो वो क्राफ्ट बाजार बिल्कुल तबाह हो चुका है। वहाँ पर बेचारे जो दस्तकार बैठे हैं आप उनको देखें तो हैरान रह जाएं, बगैर बिजली के बैठे हुए हैं, बगैर लाइट के बैठे हुए हैं, ना वहाँ पर वॉशरूम्स हैं, ना पीने का पानी है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। जब आपके जो दस्तकार हैं वो इस कंडीशन में होंगे तो जो आपका हुनर है, जो आपकी सकाफत है, उसने तो फिर नीचे ही जाना है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना है। वहाँ पे जो दस्तकार मौजूद हैं वो कहते हैं हम अपना ये फ़न आगे मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी आगे वाली नस्लें हैं जब वो हमारा ये हाल देखती हैं तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर है हम कुछ और पढ़ लें या कुछ और प्रोफेशन हाँ। इख्तियार कर लें, जब हमने ये सीख कर घर ही नहीं अपना चला सकते, अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर सकते, तो हम क्यों सीखें। और अगर हम जैसे कहते हैं ना कि सालों साल से कदीम फन चला आ रहा है, तो वो इसी तरह से आ रहा है कि बाप दादा से फिर आगे नस्लों ने वो हुनर सीखा। अब हम इस हवाले से भी देखें ना, तो अब उन्हें भी शायद अपने बच्चों में ना उस तरीके से वो फन मुंतकिल करना भी नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद देखे ना डिसहार्ट है, वो खुद उनको कोई सहूलियात नहीं मिल रही, उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, कोई फैसिलिटीज आप देखें ना बुनियादी जरूरियात हैं, बिजली पानी वॉशरूम, वही उनको प्रोवाइड नहीं की गई, तो फिर। और अच्छा, जो वहाँ पर वहाँ भी खवातीन काम करती हैं, अभी जैसे वर्किंग वुमेन डे है, क्राफ्ट बाजार में भी खवातीन काम करती हैं, वो क्रेशिये का काम करती हैं, कपड़ों की कढ़ाई, ब्लू पॉटरी, बहुत सारी चीज़ों में खवातीन वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो वो खवातीन अपने घरों में बैठकर थोड़ा बहुत काम जितना वो घर में कर सकती हैं वो कर रही हैं।
क्राफ्ट बाजार उन्होंने आना ही छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है। अब आप देखें दूर दराज से जो विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जब क्राफ्ट बाजार देखते हैं तो क्या इंप्रेशन आता है उनके ऊपर। हालांकि हमारी ब्लू पोएट्री की वो कितनी मशहूर है, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। अच्छा, तो उस हवाले से अगर देखा जाए कि अगर ये काम खत्म हो गया, लोग आते ही स्पेशली इस चीज को देखने के लिए, तो ये चीज खत्म हो गई तो उस तरीके से हम टूरिज्म को भी फ्रोग नहीं दे सकते अगर ये चीज हमारी खत्म। बिल्कुल, और मैदान में जाए स्पेशली इन चीजों को बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है। आप देखिए ना, ब्लू पॉटरी जो है वो आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा, पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्लू पॉटरी हो गई, जो कैमल स्किन का काम है, उसके लैंप्स हैं। अच्छा, और फिर इनको इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो अपनी एग्जीबिशंस पे बुलाते हैं और इनको हुनर सीखने के लिए, अपने लोगों को सिखाने के लिए इनको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पर जो है वो बुलवाया जाता है। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है कि वो कहते हैं हमें लगता है कि हमारे असल हुनर की जो कदर है ना वो वहाँ पर है, यहाँ अपनी जगह की बजाय वहाँ पर उनकी कदर जो है वो की जाती है। तो उनको पेमेंट भी अच्छी की जाती है। यहाँ पर जो है हमारी इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत बार ऐलानात किए कि क्राफ्ट बाजार को जो है वो रेनोवेट किया जाएगा, लेकिन उसके फंड नहीं है कभी कोई। अच्छा, हुकूमत की तरफ अभी चीज, हुकूमत ही हमारी स्टेबल नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें भी हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और मिसाइल हमारे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने मददाद के तहत वहाँ पर सोलर सिस्टम लगाकर जो है वो गुजारा किया हुआ है। और फिर इस तरह से उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो फिर इस वजह से भी जो लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई बाजार ऐसा मौजूद है, सिर्फ वही वहाँ पर जाते हैं, बाकी लोग तो वहाँ का रुख ही नहीं करते क्योंकि वो जगह ही एक वीराना बन गई है। अच्छा, इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर के जरिए तमाम खवातीन को भी जो है हुनरमंद बनाने के दही इलाकों में भी स्किल कोर्सेज का आगाज हुआ है, मगर इन इलाकों में खवातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, एक तो इंडस्ट्रियल होम मुल्तान में मौजूद है सनाजार, वो तो बहुत अच्छा एक इदारा है, वहाँ पर बहुत से स्किल्स खवातीन को दिए जा रहे हैं। लेकिन अब देही इलाके में भी सनाजार मौजूद है, वहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको सिलाई कढ़ाई, कुकिंग और जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो सिखाई जाती हैं, हांडी रोटी से हटकर जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको बनाना। अच्छा, फूड प्रिजर्वेशन है कि आपने खाने को और मुख्तलिफ जैसे चीज़ों को महफूज कैसे रखना है, उसकी उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, वहाँ पर जो स्टाफ है उनको सबसे बड़ा इशू तो ये है कि वहाँ के लोग अपनी खवातीन को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। हालांकि देखे ना, स्कूल तो एक तरफ है ना कि स्कूल तो आपने जाना ही नहीं है ना, अक्सर बच्चियाँ बड़ी मुश्किल से मैट्रिक जो है वो कर पाती हैं, और फिर उन इलाकों में चूंकि कॉलेजेस मौजूद नहीं हैं तो फिर वो दूर दराज नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। तो इसलिए उनके लिए वहाँ पर हुनर के कोर्सेज शुरू किए गए हैं कि देखें आप, महंगाई के इस दौर में खवातीन अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, स्टेबल हो सकें, कोई हुनर सीख सकें। लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, डोर टू डोर कैंपेन जो है वो उनको करनी पड़ती है, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, और फिर जो गाँव के बड़े लोग होते हैं उनको साथ शामिल करते हैं वो लोग कि आप इनको समझाएं, उनके काउंसलिंग सेशंस होते हैं। फिर भी वहाँ पर इदारा तो बहुत बड़ा है लेकिन खवातीन की एक बहुत थोड़ी तादाद वहाँ पर जो है वो काम सीखने के लिए आ रही है। उसकी वजह यही है कि इजाज़त नहीं मिलती, वो लोग इदारों पर शायद ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि ये, या फिर उनको ये अच्छा ही नहीं लगता कि हमारी खवातीन जो है वो घर से बाहर जाएं। लेकिन अभी अभी जो हालात है ना, यहीं अब तो ऐसे लगता है आपके जो मियां बीवी है ना वो मिलकर भी जो है वो उस तरीके से काम करें, ये तो ही कोई घर का थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो आपका चलेगा। अब खवातीन को मौका देंगे तो वो अपना, उनके अंदर जो मैं समझती हूँ हुनर और जिनके अंदर स्किल है वो बाहर आ सकती, बाहर आएगी। और मुझे लगता है खवातीन मर्दों से ज्यादा उनमें हिम्मत होती है क्योंकि अपना घर भी मैनेज करना और बाहर भी काम करना, अपनी फैमिली को भी देखना, तो ये कोई आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन जो हम कहते हैं ना वर्किंग वूमेन, वो घर भी संभाल रही होती हैं, बच्चों को भी संभाल रही होती हैं और जॉब को भी, तो ये सारी मैंने कहते हैं खवातीन के बगैर गुजारा नहीं है, खवातीन के बगैर गुजारा नहीं है, कोई रंग नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल सही है सुनिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बने। इसके साथ ही नाजी नबी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ ही जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, वही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट सैयद आरिफ हसन शाह साहब, जो कि उम्मीदवार हैं ब्राय जनरल सेक्रेटरी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और उसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद वसीम खान बाबर साहब, जो कि प्रेजिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज जरा इनसे बात करेंगे कि वकला के क्या क्या मसाइल हैं, साथ ही इनकी इलेक्शन की तैयारियां भी हैं, उन हवाले से इनसे बात होगी। लेकिन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ, हेल टिप। जी राजीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जी बंद गोभी पे। आपको पता है कि बंद गोभी जो है उसके हवाले से बात करें कि तो बहुत अच्छी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें सैलड के तौर पे जो है, लोग उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो वैसे फास्ट फूड में भी जो है वो बंद गोभी का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके साथ ही इसमें क्या पाया जाता है ये अपने नाजरीन को बताती हूँ। बंद गोभी में विटामिन सी जो है वो वाफी मकदार में पाया जाता है। अगर आप कहते हैं ना बेहतरीन हाजमा चाहते हैं तो फिर बंद गोभी का इस्तेमाल करें। और कहते हैं हर चीज का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए नुकसान भी होते हैं। जहां फायदा दे देते हैं वहां उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। लेकिन जो सब्जियां होती हैं स्पेशली, इनमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो वाफी मकदार में पाए जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ इसके जो है ये कैंसर से भी बचाव में मददगार साबित होती है। जिल्द की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसके साथ साथ जिनको शुगर के हवाले से हम बात करें तो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा शुगर, बच्चों में भी स्पेशली, एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है, उसमें जो है उसमें बचाव के लिए बहुत अच्छी है। और उसमें साथ साथ जो है इसमें कम कैलोरीज होती हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपना मोटापा जो है उसको कैसे कम करें। जो सैलड होते हैं वो आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं और उसको वजन कम करने में भी आपको आसानी होती है। और बंद गोभी का इस्तेमाल जो है उसको बहुत ज्यादा किया जाता है। और इसके साथ साथ स्किन के लिए बहुत अच्छी है, दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, आपके स्टमक के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें बहुत कम मिकदार पाई जाती है, जो आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा। इसलिए हमेशा अच्छी गिजा खाएं ताकि हेल्दी रहें। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ये हो गई आज की हमारी हेल्थ टिप। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सर, इलेक्शन की तैयारियां कैसी जा रही हैं? जी बहुत जबरदस्त जा रही है जी। तो पीक टाइम स्टार्ट है और 14 जनवरी को जो है हमारा इलेक्शन होने जा रहा है। तो जबरदस्त, हर उम्मीदवार कोशिश में है कि वो बेहतर से बेहतर अपनी मेहनत करे, दोस्तों को जो है मोहब्बतें वो समेटे, तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो ये क्या सोचते हैं जो आपके इलेक्शन हो रहे हैं, इनका मंशूर क्या है, आपका अपना क्या मंशूर है? देखिए जी, ये होता है बेसिकली जो हमारा इलेक्शन है ये वुकला वेलफेयर के लिए है। हम ये समझते हैं कि जो जो हमारी कम्युनिटी के मसाइल हैं उनके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यकीनन हर किसी ने, किसी हर कैंडिडेट का जो अपना मंशूर होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो, क्योंकि हम प्योरली जो नौजवानों की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, तो नौजवानों के बड़े मसाइल हैं हमारे एसोसिएशन के अंदर। जो हमारे नौजवान वकला हैं, क्योंकि देखिए लाखों रुपए खर्च करके वो आते हैं डिग्री करके यहाँ पे, साफ़ है हमारा जो प्रोफेशन है वो यही है। हमने यहीं से जो है जो कमाना है, जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमने नाम कमाना है वो यहीं से कमाना है। तो इसमें फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो हमारी ये है कि हम नौजवानों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करें। और हमारे पास वेलफेयर सोसाइटीज भी हैं, तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त उनको जरूरत है अगर एक्टिव करने की, तो उसी इनएक्टिव है उसमें ये है कि हम उसके लिए भी बेहतर काम करेंगे। और हमारे जो बहनें हैं लेडी लॉयर्स जो हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके हल के लिए कोशिश करेंगे। अगर हमें बाहर ने इज्जत दी और मैं इलेक्ट हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे। वसीम साहब से भी जानते हैं कि हाल चाल है सर, ठीक ठाक हैं? अच्छा, इलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तैयारियां शैरियां भी भरपूर तरीके से चल रही हैं। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या जितने भी हमारी बार एसोसिएशन है, ये इसका एक खूबसूरत जो है वो जमहूरी अमल है कि हम हर साल जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। और इलेक्शन जो होते हैं हमारे बड़ा फ्रेंडली होता है, तमाम दोस्त जो है वो अपने अपने कैंडिडेचर देते हैं, अपनी कैंपेन करते हैं, दोस्तों को अपने कायल करने की कोशिश करते हैं और अपनी ही मतलब कोशिशें और अपने ग्रुप, जो उनका ग्रुप होता है वो एक मुश्तरका एफर्ट से जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और मतलब हेल्दी एक्टिविटी है। उसमें ये भी होता है कि हर साल जो एक नया आदमी आता है तो उसको अपनी जो सलाहियतें हैं वो जो है उसको बरूएकार लाकर वो जितना एक भी इस इदारे की अपग्रेडेशन के लिए, इस इदारे के वकार के लिए वो जो भी काम कर सकता है
तो वो उसको एक मौका फराहम हो जाता है। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है और ये जो है एक अमल जो है एक मुसलसल जो है वो जारी और सारी रहता है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि इसमें जो हमारे कचहरी में सिक्योरिटी के हवाले से नाकिस इकदाम पर हैं, उस पर वकला को काफी तहफात हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इसको सर मेरी इससे मुतालिक जो है जो हायर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी कई मरतबा मीटिंग्स वगैरह हुई हैं हम लोगों की। ये पिछले 4 या 6 माह से जब से ये सैलाब वाला सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो उसके बाद कुछ जो है वो चोरी की वारदातें जो है वो कचहरी के अंदर जो है वो ज्यादा हुई हैं, जिसमें मोटरसाइकिल लिफ्टिंग है, जिसमें कार लिफ्टिंग है, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग है। तो चूंकि यहाँ पर कचहरी जो है यहाँ पर डेली बेसिस पे जो है वो हजारों अफराद यहाँ पर आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, तो और इसके जो है मुख्तलिफ जो है दाखिली व खारजी रास्ते भी हैं। मैंने जो पिछले साबिक CPO साहब थे खुरम शहजाद साहब, वो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, उनकी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रही है। वो हमारे मसाइल को हल करने के लिए जो है वो हर वक्त जो है वो हमारे जो है ना हमारे कंटेक्ट में रहते थे और जो भी हमारा मसला होता था उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। ये अगर अब ओवरऑल जो है जनूबी पंजाब में क्राइम रेट देखें तो वो क्राइम रेट बढ़ा है, तो वो सिर्फ कचहरी का ही मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है बड़ा। तो हम वक्तन फवक्तन जो है हमारा जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो पुलिस डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है मीटिंग में रह जाती है कि जितना भी मुमकिन हद तक हो आप सिक्योरिटी के मामलात को एनहांस करें, जितनी एक जो मशकूक अफराद हैं उनकी जो है उनकी तलाशी ली जाए। और बाकायदा हमारे पास वहाँ पर एक पूरा एक सिलसिला भी है कि जो हमारे दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं और कोई शख्स भी जो है वो चेकिंग के बगैर अंदर नहीं दाखिल हो सकता। तो उसके बावजूद भी जब ऐसे जो हालात वाकयात हैं, क्योंकि ये हमारे पूरा एक सिस्टम का मतलब एक हिस्सा है, तो वो कुछ ना कुछ पेश आ जाते हैं जिसमें हर रोज जो है कोई ना कोई पेशरफ जो है वो होती रहती है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ साइलीन हैं हमारे, उनको भी काफी जब भी हड़तालें हुई उसके हवाले से भी बड़ा मुश्किल का सामना रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब हड़तालें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं या अभी इनका सिलसिला जारी सारी रहेगा? हम तो यही तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला करे कि हड़ताल ना हो और हमारी इस दफा की डिस्ट्रिक्ट बार एग्जेक्टिव मुल्तान की हमारी ये जो है मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की तरफ से इस साल पूरे साल में एक भी स्ट्राइक नहीं की। अगर कोई स्ट्राइक्स हुई भी हैं तो वो पंजाब बार काउंसिल की कॉल्स पर जो है हमने स्ट्राइक्स की हैं, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साल ये है, ये हमारा बहुत ही अच्छा और कामयाब साल गुजरा है। हमारी जुडिशरी के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो लाइजोन रहा है वो एक जिसको कह दें कि अपना मतलब यादगार किस्म का है या बहुत ही एक अच्छा मतलब टेन्योर गुजरा है जिसमें कोई भी ऐसा ना खुशगवार वाकया नहीं आया जिसकी वजह से हमें स्ट्राइक की तरफ जाना चाहिए। हम बताते खुद जो है इस चीज के मैं और मेरी एग्जेक्टिव जो है और अक्सर वकला साहबान खासतौर पर जो प्रैक्टिसिंग वकला साहबान है वो हमेशा इस हक में होते हैं कि काम जो है वो होना चाहिए, काम को रुकना नहीं चाहिए, काम के तसलसल को जो है वो चलता रहना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि फिर कुछ ऐसे कोई नाखुशगवार वाकयात हो जाते हैं जिसकी वजह से जैसे रिसेंटली अभी एक हाई कोर्ट में जो है अनफॉर्चुनेटली जो एक सिलसिला हुआ है जिसकी वजह से हड़ताल हुई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल और जो पंजाब बार काउंसिल का इदारा है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये मसला काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है और हो जाएगा इंशाल्लाह ताला कुछ तक मेरे करीब। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूंगा कि जो स्ट्राइक्स हैं किसी ना किसी वजह पे होती हैं। अब जो स्ट्राइक हुई थी उसमें हम क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और हम ये समझते हैं कि वैसे स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें लिटिगेंट्स का भी प्रॉब्लम्स उसमें इजाफा होता है और जो हमारे तरह जो मतलब इनकी रोजी रोटी से साथ वाबस्ता है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्राइक वहाँ होती है जहाँ हमारे वकला के हकूक को गसब किया जाता है। क्योंकि हम वकला के नुमाइंदे हैं, हम वकला के लिए आवाज उठाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्राइक तब होती है जब किसी न किसी जगह पे खराबी पैदा होती है और वकला को काम करने से रोका जाता है और वकला के जो राइट्स हैं उनको पमाल करने की कोशिश की जाती है। तो वहां पर स्ट्राइक होती है क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्राइक भी बड़ी एक मुनज्जम तरीके से होती है। हम लोग जो अदालतों का बाइकाट है वो भी हम बड़े मुनज्जम तरीके से करते हैं, हम उनकी अदलिया का जो एहतराम करते हैं, लेकिन दूसरी साइड से भी हम यही तवक्को करते हैं कि वहां भी हमारी वकला कम्युनिटी का जो है एहतराम किया जाए।
लेकिन जब वहाँ थोड़ी सी खराबी होती है तो फिर इस तरह के वाकयात जो है वो सामने आते हैं। कोशिश तो होती है हमारी एसोसिएशन की भी और हमारे बुकला की भी इस तरह के मामला ना हो, लेकिन आखिर इतनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी है, किसी न किसी जगह पर इस तरह का वाकया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। सही, अभी हड़तालें अभी खत्म है, एक हफ्ते के लिए अभी खत्म? अभी जो मामला जो भी था आप लोगों का मामला जी, वो हल हुआ है या अभी तक? जी उसमें उसको मौखर किया गया था, खत्म नहीं किया गया था, जो हम तक मतलब रिपोर्ट्स हैं, बाकी प्रेसिडेंट साहब यहाँ मौजूद है, तो मौखर किया गया था। इंशा अल्लाह कोशिश तो है, बार एसोसिएशन की भी है, हमारे पंजाब बार काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल की भी कोशिश है कि म्यूचुअली बैठ के इसको हल किया जाए। तो इंशाल्लाह हम तो दुआ करें कि अल्लाह पाक बेहतर करे और मसाइल जो है वो हल हो जाए ताकि दोनों तरफ से जो काम है उसमें रुकावट पैदा ना हो। सर वैसे क्या ये मामला हुआ था जिसकी बिना पर ये इतना बड़ा इशू बना दिया गया? देखिए जी, जहाँ पर इदारे काम कर रहे होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो मतलब एडवेस्पर ऑफ मूवमेंट जो है अपना, आखिर हम लोग इंसान हैं तो दोनों साइडों से जो है ना बंदा फ्लेयर अप हो जाता है। तो उसमें हमारे एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल थे, तो उसमें जो मेरे सुनने में आया है कि एक जूनियर वकील साहब ने कोई गाउन वगैरह नहीं पहना हुआ था, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आप गाउन जो है वो पहन के आए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है। तो मेंबर पंजाब बार काउंसिल साहब ने मेरा ख्याल में वहां के उनको गाउन वगैरह दिया है, शायद कोर्ट के अंदर या बाहर। तो इस किस्म की थोड़ी सी जो है उनमें थोड़ी सी आपस में जो है वो हार्श जो है टॉक हुई है, जिसके बाद जो है ऑनरेबल जय साहब ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल को जो है वो शो कॉज नोटिस दिया है, और शो कॉज नोटिस देने के फौरन ही बाद जो है बगैर उनको सुने उनको सजा भी सुना दी है और उनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मामलात हो जाते रहते हैं, जहाँ पर काम हो रहा होता है और यहाँ पर एक एक, एक मतलब जजी साहबान पर भी बहुत ज्यादा बर्डन है, क्योंकि हमारा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हमारे जजेस की तादाद पूरी हो, हमेशा ही कम होती है। इस वक्त भी हमारे हाई कोर्ट के जजेस दिन बढ़ते जा रहे हैं और जजी साहबान की तादाद जो है वो वैसे सेंक्शन तादाद जो है वो 60 है हाई कोर्ट के जजेस की, लेकिन इस वक्त भी जो है वो हमारे 18 जजेस साहबान जो है वो उनकी एलिवेशन होना बाकी है, नहीं है, कमी है वहाँ पे जो कि पूरी होनी चाहिए। और अगर केसेस के लिहाज देखा जाए तो दिन ब दिन जो है वो केसेस की तादाद लिटिगेशन भी बढ़ रही है और पेंडेंसी भी बढ़ रही है। जजेस का कम होने की वजह से उसको उसकी समाप्त पर जो है वो मुतासर होता है। तो ऐसा हो जाता है कि जिसको मतलब ऐसा कोई सीन बन जाता है जिसको वो वक्ती तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये अपने दानिश में समझता हूं कि कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो एमिकेबली जिसकी सेटलमेंट ना हो सके, बशर्ते कि दोनों फरीक जो है वो बैठ के आपस में मामले को तय करना चाहे। तो रिस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअल होती रहती है। हम हमेशा कहते हैं कि बार और बेंच जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं, और इन दो पहियों को मुतवाजन रखना, इन दो पहियों को चलाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। अच्छा, जो केसेस आज तक हम समझते हैं जेरे अल्तवा मुकदमात हैं, उनके उनको निपटाने के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि अभी हम देखते हैं, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि जजेस की तादाद जो है वो भी कम है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें मैं अर्ज करता हूँ कि एक तो जो ये हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना जी, ये हमारा जो है वो आज से सदियों साल पुराना है पड़ा। अभी तक जो हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं वो मोस्टली ऐसी रिफॉर्म्स होती हैं जो कि प्रैक्टिकली जो है ना वो उन पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि सबसे पहले तो जजेस साहबान की तादाद को जो है वो पूरा करना चाहिए, बल्कि पूरा भी नहीं करना चाहिए, बढ़ानी चाहिए। जैसे जैसे केसेस की तादाद होती जा रही है वैसे ही जजेस साहबान की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान हो, हाई कोर्ट के जजेस साहबान हो या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस साहबान हो, इनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्तान में जो सेंक्शन जो है अपना तादाद है जजेस साहबान की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस साहबान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस साहबान, सिविल जजेस साहबान, उनकी टोटल तकरीबन मेरा 110 के करीब जो है वो सेंक्शन तादाद है, लेकिन इस वक्त भी जो है हमारे पास सिर्फ 70 जजेस साहबान काम कर रहे हैं। तो जब इतनी शॉर्टेज होगी और बर्डन ऑफ वर्क ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो मामला जो है वो उसमें जो है ना पेंडेंसी आती है। तो सबसे पहले तो जजेस साहबान की तादाद को पूरा नहीं बल्कि ज्यादा करना चाहिए कि अगर है हमारे पास कोई स्किल्स की कमी नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों की कमी नहीं है,
और हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, तो क्यों नहीं हम अपने जज साहबान की तादाद बढ़ाते और बढ़ा के जो है ताकि लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम कर सकें, ताकि लोग जो है वो सालों साल जो है वो धक्के ना खाते रहे और उनको जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। तो बाकी हर जगह पे हर इंसान, हम वकला साहबान भी और जजी साहबान भी, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे काम करता है, दिन रात काम करते हैं, लेकिन चूंकि एक 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 हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर लोड डाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो बंदा काम नहीं कर सकेगा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जजी साहबान की तादाद भी ज्यादा होनी चाहिए और कुछ इस तरह की प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स होनी चाहिए जिससे ये जो हमारा ट्रायल का जो प्रोसेस है इसको शॉर्ट से शॉर्ट किया जाए, मुख्तसर किया जाए और वो जो है जो पहले से पेंडिंग केसेस है उन पर अप्लाई ना किया जाए, जो नए केसेस आते हैं उनको उस लिहाज से और उन तरीकों से जो है जो नया लॉ हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके मुताबिक जो है इसको हल करवाया जाए। अच्छा, उसके बारे से हमारे साइलीन जो है उनके भी बड़े मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं इस टाइम क्या क्या मसाइल साइलीन को पेश आ रहे हैं? साइलीन के मसाइल जो है वही है, तो बेसिकली जो है हर बंदा जहां पे आता है, दो अशखास जब आते हैं, एक पहले आता है अपना दावा लेके, उसको हम कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन, जो जिसको कोई तकलीफ पहुंची होती है वो अदालत को अप्रोच करता है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो होता है उसको हम तलब करके जो है उनकी दोनों की आपस में जो है उनकी उनको समाअत का मौका फराहम करते हैं, उनको जो है उनकी वो सुनते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो है उनकी पेंडेंसी का, उनका जो दौरानिया बढ़ जाता है केसेस की जो है उसका, उनकी एडजुडिकेशन का, उनके फैसलों का, उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमर ये है। आप देखें मुआशरे में जो है, अगर मैं खुद वकील हूं, अगर मुझे अपना केस कंटेस्ट करना पड़ जाए तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा शायद मैं अपने मुकदमे को टाइम दे सकूं, उसके लिए मेरे पास अलहदा से जो है ना उसको पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मुल्क में जो है महंगाई की बड़ी सूरत हाल जा रही है, इंसान जो है अपना हर तरीके से हमारे आमदनी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो जहां पर किसी के ऊपर मुकदमा आ जाता है तो फिर वो एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है ना वो बंदे पर लागू हो जाता है, और जो डेली वर्क करते हैं वो अपना काम भी छोड़ के आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हो जाती है या किसी वजह से मुकदमे की समाप्त नहीं हो सकती। ये सबसे ज्यादा जो है ना वो एक किस्म की जो है उनके लिए ये तकलीफ देख जो है बात यही होती है, इसी वाले से भी, और फिर सारा दिन उनका यहीं पे जाया हो जाता है और यहीं पर बैठे इंतजार करते रह जाते हैं। अब जैसे आपके समझते जो हमारे वकला हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं, तो जिस तरह आप बात कर रहे थे कि हमारे जो नौजवान हैं उनको बहुत ज्यादा इनके मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्या मसाइल है? देखिए वकला के मसाइल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो वकील है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा होता है, अब जो लिटिकेंट्स आते हैं उनके वो इतने मसाइल नहीं रखते, क्योंकि साउथ पंजाब का एरिया ये कोई इतना कोई खुशहाल एरिया नहीं है, मैं समझता हूँ इस हवाले से। तो जो फीसिस के हवाले से अगर बात की जाए तो एज कंपेयर टू अपर पंजाब हमारे पास जो है फीसिस की रेशो बहुत कम है, और जब वकील जो नौजवान वकील, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि नौजवानों के मसाइल ज्यादा हैं, जो वो पहले जब वो डिग्री करके आते हैं तो कम से कम उनको इसको सिस्टम को समझने के लिए केसेस की जो रेशियो है उतनी नहीं होती एज कंपेयर टू जो हमारे सीनियर लॉयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए उसको बहुत सारे मसाइल का जो है सामना करना पड़ता है और उसी में उसने अपना गुजर बसर भी करना है, उसी में उसने अपने स्टेटस को भी मेंटेन रखना है, और क्योंकि लिटिगेंट को तो नहीं पता, उसने तो आना, उसने कहना जी ये मेरा काम है आपने इसको अभी निपटाना है, तो उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर है वो तमाम तर वकीलों के ऊपर भी उसका बोझ मतलब बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक मतलब मुल्की सतह पर उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे एक याद है मुशर्रफ दौर में एक पॉलिसी बन रही थी लेकिन उसको नहीं बनने दिया गया, वो सियासत की नजर हो गई, एक पॉलिसी बन रही थी कि जितने भी हमारे जो कारोबारी इदारे हैं चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो दूसरे मतलब पार्टनरशिप के जरिए वो चल रहे हैं, हर इदारे को अपना एक जो है लीगल एडवाइजर जरूरी रखना होगा, जिनकी जो है उसमें लिमिटेशन थी कि 50 लाख से ऊपर जो है जिनका भी कारोबार है उनको अपना लीगल एडवाइजर रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से किसी कोई कानून साजी कर दी जाती है तो मैं समझता हूँ
कोई भी वकील यहाँ पर कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट बार में, किसी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी वकील ऐसा नहीं होगा जो खुशहाल ना हो। तो इस तरह की पॉलिसीज जो है उनको मुतारफ कराना चाहिए ताकि लोग खुशहाल हों, और इस तरह से जो है जो बोझ है जो लोग समझते हैं कि लिटिगेंट पे पड़ रहा है, वो दरअसल लिटिगेंट पे नहीं पड़ रहा होता, वो वकील होता है, क्योंकि वो मेहनत भी करता है, कोर्ट में भी जाता है, तो केस को प्रूव करने के लिए भी वो अपना पूरा पूरा टाइम देता है। क्योंकि लिटिगेंट तो समझता है कि मेरा एक ही केस है, चाहे दिन में 50 केस हो, जो बेचारा हमारे पास आया बैठा है, जो एक मतलब बैठा है साहिल, तो वो समझता है कि मेरा एक ही केस इनके पास है, बाकी सबको छोड़ दो, इसी को करो। तो बड़ा बर्डन होता है, वर्क बर्डन वकील के ऊपर, हम ये समझते हैं। तो इन मसाइल को साथ एक हुकूमती सतह पर भी इनको सोचना चाहिए कि वकीलों की खुशहाली के लिए। अब देखिए हमारे पास इधर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ वकला कानूनी जो है उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन मुल्तान जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, तो उसके अंदर इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है, कोशिश जरूर की गई है हमारे जो नुमाइंदगान रहे हैं उनकी जानिब से, लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने उस पर किसी किस्म का कोई जो है अमल दरामद नहीं किया। तो इस पर हम मुतालबा भी मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, पाकिस्तान जो है हुकूमत पाकिस्तान से, कि वकला के लिए यहाँ पर कानूनी जो है उसका ऐलान किया जाए, ताकि वकला जो है एक बाइज्जत एक जो है हमारा माशरा है इसका एक जो है बहुत बड़ा पिलर है, एक बाइज्जत जो है शहरी है, तो उनको उनका मकाम दिया जाए। सही। अच्छा वसीम साहब ने हमें जो है अभी उनको कोई जरूरी काम से जाना है, सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर जी मैसेज किस हवाले से? कोई भी मैसेज देना चाहे आप नौजवानों के लिए। मैसेज नौजवानों के लिए मैसेज जो है ना, ये जैसे शाह साहब ने फरमाया है कि नौजवान वकला साहबान के जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं पड़े, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये मैं अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है मैं इससे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वकला साहबान भी जो है इस सिस्टम का जो है ना एक हिस्सा है, तो आप इसको ओन करें सिस्टम का। जैसे हमारे डॉक्टर साहबान जब MBBS करके फारिग होते हैं तो जब उनकी अपेंडिक्सशिप होती है तो बाकायदा उनको एक माकूल किस्म की उनको जो है एक वजीफा कह लें या सैलरी कह लें या ऑनरेरियम कह लें, जबकि हमारे यहाँ पर जो है वकला साहबान जब नया नया फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आता है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं होता जिसकी वजह से जो है उस नौजवान की जो है फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट हो सके। वो काला कोट और यूनिफॉर्म पहन कर तो यहाँ पर आ जाता है, उसको वकला साहब अपना जज साहबान उसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, अच्छे लिबास पहन के आए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसकी जेब में कोई पैसे भी है या नहीं है। यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है आजकल तो आपको पता है यहाँ पर पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है लोगों की। तो मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट से कोई ऐसे जैसे हैं कोई लीगल एडवाइजर्स हैं पैनल हैं या कुछ 6 महीने साल के लिए उनके उनके लिए कोई वजीफा वगैरह मुकर्र कर दिया जाए, या कोई इस तरह का है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको पाबंद कर दिया जाए कि इनके जो है वो करें अपना। और नौजवान वकला साहबान के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि आप मेहनत करें, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, इसमें इतने ज्यादा आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप मायूस ना हो, थके ना, और अपना काम करते रहे, इंशाल्लाह तआला अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेगा। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी ओलिया कराम के शहर मुल्तान में इन दिनों जिस तरह मौसम बहुत ज्यादा सर्द हुआ हुआ है, इसी तरह सब्जी और फलों की मार्केट भी सर्द होती नजर आ रही है, क्योंकि जो फलों के रेट हैं वो तो वहीं बरकरार हैं, सब्जियों के रेट जो मौसमी सब्जियां हैं वो वहीं बरकरार हैं, लेकिन जो बाकी दीगर सब्जियां बुनियादी सब्जियां उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों में जारी रहा है, लेकिन आज के दिन कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में सब्जियों का इस्तेमाल कम हो जाता है, इसलिए उसके जो रेट्स हैं वो भी एक दो दिनों में वहीं बरकरार हैं, लोग दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आज के हम ताज़ा भाव की बात करें तो लहसुन अभी भी 400 रुपये तक बरकरार है, अदरक 320 तक फरोख्त हो रही है, लीमू जो है वो 160 से 240 में फरोख्त हो रहे हैं। गर्मियों में लीमू जो है वो 400 तक भी पहुंचा था,
गर्मियों में इस्तेमाल बढ़ता है लेकिन सर्दियों में लीमू का इस्तेमाल कुछ कम हो जाता है, इसलिए इसकी कीमत वहीं अभी बरकरार है, उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा। इसके साथ जो दीगर बुनियादी सब्जियां हैं जो मौसम कोई भी हो उन्होंने तो इस्तेमाल होना ही होना है, जिसमें टमाटर जो है ये बड़ी अच्छी बात है कि इन दिनों बहुत ज़्यादा कम कीमत में फरोख्त हो रहा है, 80 रुपये फी किलो हुआ हुआ है। हरी मिर्च जो है वो उसकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, बारीक मिर्च जो है वो 160 में, शिमला मिर्च 120 में, जबकि मोटी मिर्च 200 से 240 में फरोख्त हो रही है। प्याज अलबत्ता महंगा है, पिछले 2-3 दिनों से 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मौसमी सब्जियों की बात करें, लोकल सब्जियां जो इन दिनों मंडी में भी वाफर मकदार में मौजूद हैं, रेडियो पर भी वाफर मकदार में हैं, मार्केट में भी, उनकी कीमत काफ़ी कम हुई हुई है। साग है, पालक है, ये 40 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी और बंद गोभी इन दिनों सैलड वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फास्ट फूड्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, इसकी कीमत 20 रुपये बढ़ गई है, 60 रुपये फी किलो तक होने हो गई है। इसके साथ गाजर और शलजम जो है वो 80 रुपये फी किलो में, चिकंदर 120 रुपये फी किलो में, क्योंकि चिकंदर जो है इन दिनों जूसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लोग इसे सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ, 120 रुपये फी किलो हुआ। इससे पहले चिकंदर 80 रुपये में भी मिल जाता था। फलों की बात करें तो फलों की कीमतें अरसा दराज से वहीं बरकरार हैं, फलों की कीमतों में कमी देखने को नहीं मिलती, इजाफा जो हुआ था वो अभी वहीं बरकरार है, जिसमें अंगूर जो है सुंदरखानी अंगूर 400 से 600 में फरोख्त हो रहे हैं, स्वाद की नाशपाती 400 में, चाइना नाशपाती भी स्वाद की नाशपाती 400 में, जबकि चाइना की नाशपाती 700 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। मुख्तलिफ अकसाम के जो सेब हैं, काला कुल्लू सेब है, गोल्डन सेब है, अमरी सेब है, सफ़ेद सेब भी है, ये 160 से 280 रुपए तक फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ अकसाम के अनार, कंधारी अनार आ जाता है, डोरालाई का अनार आ जाता है, अलीपुर का अनार आ जाता है, इसमें सुर्ख दाना, सफ़ेद दाना, खट्टा मीठा अनार मुख्तलिफ अकसाम है जो खास मार्केट से मिल जाती हैं, वो 300 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। पपीता जो है वो 240 में, चीकू इन दिनों आम मिल रहा है, रेडियो से भी वाफर मकदार में मिल रहा है, उसकी कीमत कम हुई हुई है, 200 से 240 में फरोख्त हो रहा है। मौसमी फलों में किन्नू और फ्रूटो जो हैं वो 160 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। जिस तरह पहले भी बताते हैं कि बारिशों का इंतज़ार है, तभी जाके मौसमी फलों की कीमतों में कुछ कमी आएगी, और सर्दियों का जो एक ख़ास फल है, आम फल है माल्टा, उसकी भी एंट्री होगी, लेकिन अभी तक वो मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ खजूर का इस्तेमाल भी इन दिनों बढ़ जाता है, खुश खजूर 320 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। ओवरऑल बात करते जाएँ महंगाई की, बुनियादी सब्जियों में महंगाई बरकरार है, फलों में भी महंगाई बरकरार है, लेकिन लोकल सब्जियाँ बआसानी दस्तियाब हैं। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जीता, अभी हम एक तो नौजवान मुतला के देख रहे थे, फिर खवातीन के भी बहुत सारे मसाइल हैं, हम समझते हैं जो मैरिड खवातीन हैं उनके अपने मसाइल हैं, जो अभी यंग आ रही हैं लॉयर्स उनके अपने हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, उनके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं या ऑलरेडी कितना काम हो चुका हुआ है? देखिए जी, लेडी लॉयर्स के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों के अगर उसको मुताबकत की जाए तो उनके मसाइल ज्यादा हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली काम करती हैं। ज्यादातर जो लेडी लॉयर्स हैं वो फैमिली केसेस करती हैं, लेकिन कुछ जो सीनियर लॉयर्स हैं वो मतलब मल्टी जो है काम वो करती हैं, लेकिन उनके मसाइल इसलिए ज्यादा है कि मैं समझता हूँ कि उनके उस तरह बोल्ड तरीके से वो काम नहीं कर सकते जिस तरह मतलब जो हमारे लॉयर्स दूसरे हैं वो कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि कोई हमें हमारी एसोसिएशन जो है उनको कोई सोसाइटी बनानी चाहिए, और लोकल कमीशन हैं, उसके साथ साथ कोर्ट ऑक्शन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनको ऑब्लाइज किया जाना चाहिए। और उसके साथ मैं लेडीज बारूम खैर में, तो मैं अभी बार एसोसिएशन में हमने नया एक लेडीज बारूम जो है मौजूदा एग्जीक्यूटिव ने बनाया उनके लिए, और उनके साथ साथ यकीनन जो भी आता है अर्निंग के लिए आता है तो उनके लिए उसका खसूसी तौर पर उनका जो है एक कोटा मैं समझता हूँ मुख्तस किया जाना चाहिए, ताकि इंकरेजमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा जो लेडीज हैं वो इस प्रोफेशन को में आए और काम करें, उनकी जो सलाहियतें हैं वो अपने पेश करें, और वो भी क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बात है वकला के अंदर, शायद आपके सामने नहीं हो, हम कभी लेडी लॉयर्स नहीं कहते, हम उनको भी लॉयर्स कहते हैं। हाँ, ये तो यहाँ पे उसको
मखसूस करने के लिए हम कहते हैं लेडी लॉयर, लेकिन वो प्रोफेशन ऐसा ना मैं समझती हूँ जहाँ पर मैं हमें आपको आपके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल इक्वली होते हैं, इक्वली है, तो प्रोफेशन तो एक ही है बस उसमें आपने राइट्स खवातीन का नाम आता जुड़ता जरूर है लेडी लॉयर का आ जाता है। हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि ये लोग उसी तरह जिस तरह मतलब एक मर्द हजरात जो है वो करते हैं उसी तरह इनको भी आगे आना चाहिए। जाके जजेस देख लें, आपने अभी फखरुन्निसा साहब का लास्ट कुछ दिन पहले उनकी जो डेथ हुई है उन्होंने जुडिशरी में अपना नाम कमाया, तो इसी तरह हमारी ख्वाहिश है कि जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं वो भी अपना मकाम जो है वो हासिल करें। क्या समझते हैं जज बनने तक का जो सफर होता है वो कितना तवील होता है और थोड़ी क्या इस पर भी हमने चाह रहे थे कि थोड़ा इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए जी जजेस दरकार होता है वक्त, तो देखिए अब आफ्टर टू इयर्स जो है हम सिविल जज के लिए जो है हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी जो है जो एग्जाम होता है उसके बाद इंटरव्यूज के बाद जैसे एक थ्रू प्रॉपर चैनल है वो एक जज जो है सिविल जज जो है वो अपॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है एडिशनल सेशन जज, उनका भी एग्जाम होता है, वो आप 10 साल के बाद जो है आप एडिशनल सेशन जज का जो है एग्जाम आप दे सकते हैं, 10 साल के बाद तक आप दे सकते हैं। 10 साल के बाद? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, 10 साल की स्टैंडिंग के बाद आप दे सकते हैं। उसके बाद जो एलिवेशन होती है हाई कोर्ट की उसका एक अपना प्रोसीजर है, तो हमारी भी ख्वाहिश होती है, हर वकील की ख्वाहिश होती है कि वो इस मुकाम तक जाए, लेकिन उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत दरकार है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है कि अल्लाह पाक की तरफ से एक इंसाफ के साथ जो है ये एफिलिएटेड है, तो हमने इंसाफ देना है, इंसाफ दिलाना भी है। जब हम वकील होते हैं हम इंसाफ दिलाते हैं, जब हम में से ही लोग जजेस बन जाते हैं तो इंसाफ देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी इस प्रोफेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। हाँ जी, तो मैं समझती हूँ एक आसान काम नहीं होता, आपने जब फैसला दे रहे होते हैं बिल्कुल जज के ऊपर भी बड़ा बर्डन होता है कि कहीं फैसला जो है वो गलत ना हो जाए या कुछ इस तरीके से भी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी जो हम देखते हैं जो हमारे फैमिली केसेज हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अभी स्ट्रीट क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, क्या समझते हैं क्या वजूहात हैं, इनको कैसे हल किया जा सकता है? देखिए जो फैमिली केसेस है मैं ये समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त जो है हमारे माशरे के अंदर बढ़ गई है। तो पहले लोग खानदान के अंदर जो लोग बैठ के उस मसले को हल कर देते हैं, अब अवेयरनेस बढ़ी है, बढ़नी भी चाहिए, अच्छी बात है। जो क्राइम्स है जो एक हकूक है जो कानून ने दिए हैं एक औरत को यकीनन उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन उसका जो बेजा इस्तेमाल है वो भी हमारे माशरे को एक गलत तरफ लेके जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसलिए बने हैं क्योंकि बर्दाश्त जो है अब माशरे के अंदर उसमें उसके अगर बैकग्राउंड में जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं, आपके सामने इन्फ्लेशन है वो बढ़ चुकी है, उसके साथ साथ आप देखें महंगाई, उसके साथ साथ मतलब रोजगार में कमी, ये एक मसाइल है, इस वजह से आदम बर्दाश्त में जो है इजाफा हो गया, और इसीलिए थोड़ा सा मसला हुआ नहीं तो लोग जो है कोर्ट से रुजू करते हैं, पहले ये चीजें कम होती थी लेकिन अब जो है ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस पर जो है ना फैमिलीज को सोचना चाहिए कि वो बैठकर जो है वो इन मसाइल का हल कर ले, जहां पर हकूक जो है वो हाँ तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन हर चीज के लिए ये नहीं कि एक फैमिली है बच्चे हैं तो मतलब ये वकालत से हट के बात कर रहा हूँ, ये वो अच्छा लाइफ गुजार रहे हैं, छोटी सी बात पे या किसी की घर की किसी लचाकी की वजह से फौरन जो है वो घर टूट जाना तो एक बहुत बड़े मतलब एक मसला है जिस पर जो है सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। तो अभी आपका फिर क्या लाहे अमल होगा, अब अगर जिस तरह हड़तालें भी चल रही हैं हमारे मसाइल भी हैं तो क्या वो जो हमारे वकला हैं उनका क्या लाहे अमल होगा? देखिए जी हड़तालों का इफेक्ट पुल्ड आउट वकला पे भी होता है, लिटिकेंट्स पे भी होता है। साहब जब लिटिकेंट कहते हैं भी हमारा जो केस है उसको आप अटेंड करें, जब हड़ताल हमारी ही बरादरी हड़ताल कॉल करती है तो हमें उसकी जो है रिस्पेक्ट के लिए हमें वहाँ पे हम पेश नहीं हो सकते, तो मसाइल तो है लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इलेक्शन का लाइमल है वो हमेशा हमारा वाजे रहता है, उसमें हमारी जो कैंपेन्स हैं जो लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन है जो मतलब दोस्तों के साथ जो हमारी वोट मांगने का तरीका है जो हमारे सीनियर्स का जो हमारा लाइमल है वो हमारा वो तरीकाकार जो है जारी रहता है, और वो अलहमदुल्ला वो प्रोसेस जो है इंशाल्लाह 14 जनवरी जो है हमारी इलेक्शन डेट है वो इंशाल्लाह खुशसूबी के साथ अल्लाह पाक बेहतर करे
चले इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, हमारी तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि अल्लाह ताला जो है आपको कामयाब करे। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं वुकला की क्या फलाह बहबूद के लिए इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, वुकला के जो फलाह बहबूद है उसमें बहुत सारी चीजें जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। एक तो मैंने इससे पहले कबल आपसे अर्ज किया कि उसमें जो नौजवान वुकला के मसाइल हैं, हाँ। उसके साथ साथ जो वेलफेयर के मसाइल हैं, अब हमारे बहुत सारे बुजुर्ग वुकला हैं वो बीमार हो जाते हैं, सही। उसमें हमारी एक कमेटी तो बनी हुई है जिसमें एक वेलफेयर सोसाइटी टाइप है उसमें उनको, लेकिन वो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करने की जरूरत है ताकि हम, मैं समझता हूँ अगर कोई वकील बीमार है, हमारा सीनियर है जिसने बाहर को अपनी पूरी जिंदगी दी है और जब वो बीमार होता है क्योंकि उसके पीछे कोई पेंशन तो नहीं पड़ी जो उठा के हम उसे दे देंगे, कोई रिटायरमेंट तो नहीं है तो दे देंगे, तो उसके जरिए हम उसकी मदद करें और इस तरह से मदद करें कि उसको एक ऑनरेबल तरीके के साथ उसको उसकी ट्रीटमेंट हो, हम उसको जाके उसके लवाइकीन को जो भी उनके हम कुछ कर सकते हैं अपने ताई हम उसके साथ करें, और उसके साथ साथ जो हमारे मतलब नौजवान वुकला है उनके लिए जो हम एक प्रॉपरली हमें एक फंड कायम करना चाहिए ताकि उनको जब तक वो उस सिस्टम में नहीं आ जाते कि वो खुद से ही अपना जो है जनरेशन जो है वो जनरेट करें अपने लिए जो है वो फीसिस का आप कह लें या जो भी उनके है उसमें जो है हमारा पूरा पूरा किरदार होना चाहिए, हम उसको अदा, मैं ये समझता हूँ अगर अल्लाह पाक ने कामयाबी दी तो ये जो बुनियादी मसाइल है हमें इसकी तरफ हम कदम बढ़ाएंगे और हम इसको मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे और हम हायर अथॉरिटीज से भी कहेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि हम इन मसाइल को हल करें और अच्छी नीयत के साथ आ रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी नीयत देख रहा है कि हम नौजवानों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुजुर्ग वुकला के लिए हम बेहतर करना चाहते हैं, हम बार की इज्जत और वकार को अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कई सालों से मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारी बार का जो वकार था वो उस स्टेटस पे नहीं खड़ा जिस स्टेटस पे आज से कई साल कबल वो हमारा बार का स्टेटस खड़ा हुआ था, तो हम ये समझते हैं हमने बार की वकार के लिए काम करना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे नजदीक बार हमारी माँ है, तो अपनी माँ के साथ जो वफा नहीं करता, जो अपनी माँ की जो इज्जत का ख्याल नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान जो है कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। सही। अच्छा, अभी जिस तरह हम ये तो बात कर रहे हैं कि वुकला के क्या मसाइल हैं नौजवान सबके, साथ ही हम सालीन की थोड़ी फैसिलिटीज के हवाले से भी बात कर लेते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो दी जा रही हैं, कचहरी के हवाले से भी हम बात करें, हम हाई कोर्ट की भी बात करें, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए जी, सालीन के बिल्कुल मसाइल, क्योंकि लिटिकेंट से ही सारा सिस्टम चल रहा है, चाहे वो जुडिशरी है चाहे वो वुकला है, तो उनके बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब वो आते हैं शेड्स का इंतजाम होना चाहिए हमारे जो प्रेमिसेस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ताकि वो लोग वहां पर बैठे, क्योंकि चैंबर्स जो है हमारे खवातीन भी आई होती हैं, सात बच्चे भी आए होते हैं, उस तरीके से प्रॉपर जो है वो नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि अक्सर तो मैंने खुद भी देखा है कि लोग बहुत ज्यादा बाहर भी खवातीन का रश लगा हुआ होता है, बैठने की जगह नहीं होती, तो मर्द हजरात भी होते हैं, इस हवाले से उनके ऊपर बड़ा काम करना है। बिल्कुल, मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमें कॉमन रूम्स भी बनाने चाहिए ताकि जो फैमिलीज आती हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है, तो बन सकते हैं लिटिंग एंड के लिए हम वहां पर कॉमन रूम्स बनाए, कुछ शेड्स बनाए, क्योंकि चैंबर्स जो है ना हमारे बड़े कंजेस्टेड से हैं, उसमें अगर दो या तीन वुकला देखें, यहाँ पे वुकला के पास चैंबर्स भी नहीं है, जो नौजवान वुकला है उनके लिए एक सबसे बड़ा मसला है क्योंकि चैंबर्स नहीं है, और जब चैंबर्स एक जो है हमारा चैंबर है उसके अंदर 10 वकील या 6 वकील बैठे होंगे तो हम साइल को कहां बिठाएंगे, तो इसलिए मसाइल है उनको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अगर इज्जत दी तो कोशिश करेंगे उन मसाइल को भी हमल करें, और लिटिकेंट का जो मसला है वो बिल्कुल सारा सिस्टम जो है वो उसके गिर्द घूम रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।